50 से ज्यादा गोवंश की हत्या के विरोध पर हिंदू संगठन द्वारा सुनवारा में दिया गया धरना। गत दिवस किसी असामाजिक तत्व द्वारा बैन गंगा नदी में मिले गोवंश की सौ के विरोध में हिंदू संगठनों ने गुरुवार को सुनवारा मंझगवास में धरना प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। धरना प्रदर्शन में सुनवारा पहुंचे सिवनी विधायक दिनेश राय द्वारा प्रशासन से दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक द्वारा शाम तक दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया तथा दोषियों के मकानों का अतिक्रमण भी तोड़ा जाएगा। अजय करवेती उद्घोषण में गया है और यहाँ पुलिस विभाग का भी मिला जुला काम है। सफेद नेता भी इसमें जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ इनके मकान डाले जाए, इनको 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ा जाए, नहीं तो आने वाले समय में ईद में जो कुर्बानी देते हैं तो हम आने वाले बड़गा में इनकी कुर्बानी दे देंगे। इस देश में अगर रहना है तो हम हिंदुओं का सम्मान हिंदुओं की रीति नीति पे चलना पड़ेगा। आसान नहीं है। जिस तरह तुम हमारी गौ माता को मार रहे हो, जो तुम कम कर रहे हो वो काम अगर हमारे हिंदू हाथ में उठा लेगा तुम जाओगे का छोड़ के भागने पड़ेगा पाकिस्तान। अगर रहना है आपको इस क्षेत्र में तो हमारे हर हालत में गौ को माता को रक्षा करने के लिए हमारे साथ ही होना होगा, नहीं तो आप छोड़ के क्षेत्र को जाए। पुलिस विभाग की मिली जुली है, इतने दिनों से यहाँ घटनाएं घट रही है इसी क्षेत्र से धनोरा केवलारी और मेरा कानीवाड़ा विधानसभा से लगा हुआ क्षेत्र। यहाँ से गऊ कसी का काम हो रहा है, यहाँ गऊ काटी जा रही है, उसके बाद रोक नहीं पा रहा है। प्रशासन निकम्मापन है प्रशासन का, इसमें जवाबदार है यहाँ का जिला का प्रशासन है, यहाँ की पुलिस मिली हुई है और पुलिस के कार डिटेल निकाले जाए, TI के निकाले जाए, इनके सिपाहियों के निकाले जाए, ये सब इसमें इन्वॉल्व है, नहीं तो ऐसी घटना नहीं घट सकती। आप हम चाहते हैं हमारा हिंदू मुस्लिम